नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर के बाद एक कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी बीच एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, अभी कुछ देर पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का तीन लड़कों ने मिल अस्पताल के सामने मर्डर कर दिया है। दोस्तों आपको जैसे पहले ही पता है, असद के इनकाउंटर के बाद तमाम सवाल उठ रहे थे, जिसमें अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती ने इस इनकाउंटर को बिल्कुल पूरी तरीके से फर्जी बताया था और एसटीएफ की मनगढ़ंत कहानी बताया था। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मानवाधिकार आयोग को एक नोटिस भी दी थी, जिसमें उन्होंने 14 प्रश्न किए थे और पूरी प्रणाली, पूरी इस इनकाउंटर प्रणाली और एसटीएफ उत्तर प्रदेश पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। और अतीक अहमद के आज मर्डर के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर एक बार प्रश्न चिन्ह लग गया है। अतीक अहमद को पुलिस रिमांड पर लेकर आई थी, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उनके स्वास्थ्य की देखरेख कराने उन्हें पुलिस एक अस्पताल ले गई, जहाँ पे तीन लड़कों ने मीडिया और पुलिस के सामने अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ की हत्या कर दी। दोस्तों सवाल तो उठेंगे, क्योंकि तो लोग हैं तो सवाल तो उठाएंगे। तो अगर सवाल उठेंगे तो सवाल होंगे पुलिस के सबसे बड़े अधिकारियों से, एसटीएफ के सबसे बड़े अधिकारी से और पुलिस के उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया से। तो देखो इन दोनों का क्या होता है, इनके ऊपर सरकार क्या एक्शन लेती है। फिलहाल ये जाँच का विषय है और उत्तर प्रदेश शासन का विषय है। फिलहाल आपके नज़र में इस हत्या को आप किस रूप में देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों कल इस पर फुल वीडियो आ जाएगी, तो वीडियो को आप शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा ऐसी नई जानकारी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।